हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेक मेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों कल मैंने जब अपना लास्ट वीडियो डाला था, जैसे मैं यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ, उस वीडियो का जो रिस्पॉन्स मैंने देखा वो देख के सच में मेरे को लगा कि नहीं, अब और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो पे। जितने भी कमेंट्स आए, सारे कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, जितने भी लोग मेरा वीडियो को देखे हो, जितने भी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट किए हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से फिर से आज कुछ नए तरीके से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, बेसिकली ये जो अभी आप लोग सेटअप वगैरह देख रहे हो, इससे पहले कुछ वीडियो पे आप लोग कुछ दूसरे टाइप का सेटअप देखे थे, क्वालिटी कुछ अलग था सेटअप का। तो बट कुछ कारण के, मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण मैं अभी वो सेटअप पे नहीं जा पा रहा हूँ। बेसिकली इसी सेटअप को कुछ अलग से मैं बनाता हूँ, इसीलिए आप लोगों को क्वालिटी जो है वो अलग टाइप का देखने को मिलता है। बट कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी कुछ दिन आप लोगों को इसी सेटअप के साथ थोड़ा बहुत मैनेज करना होगा। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा इस टाइम मैनेज कर लेना। बट आने वाले टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को क्वालिटी वीडियो, क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करने का। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट। तो चलो आप लोगों के सपोर्ट को लेके आज नए तरीके से स्टार्ट करते अपने YouTube जर्नी को। और आज की इस वीडियो जो है, इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ यू विल गेट मोर स्पॉन्सरशिप अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हो। तो बेसिकली आपके चैनल पे अगर 500 सब्सक्राइबर्स है, 1000 सब्सक्राइबर्स है, 2000 सब्सक्राइबर्स है, 5000 सब्सक्राइबर्स है, तो आपको कैसे स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। अब देखो, छोटे यूट्यूबर के लिए जिसका चैनल पे कम सब्सक्राइबर है, उसके पास कभी स्पॉन्सरशिप नहीं आता है। आपको जाना पड़ता है स्पॉन्सर के पास, आपका जो अप्रोच है उसको लेके, फिर वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप देगा कि नहीं वो सोचता है, और उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। अब देखो, ये स्पॉन्सरशिप मिलने का बहुत बात है कि 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फेमबिट पे अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा। तो कभी फेमबिट से भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। 5000, 7000, 10000 सब्सक्राइबर पे फेमबिट अब से स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। तब और कोई रास्ता तो नहीं बचा। बट नहीं दोस्तों, और भी रास्ता है जो मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। इवन इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेल्स भी दिखाऊंगा जो मेरे पास स्पॉन्सरशिप का अप्रोच आया है। इस 3000 सब्सक्राइबर्स को लेके भी मेरे पास लोग आते हैं स्पॉन्सरशिप को लेके। अब उसमें से कितना स्पॉन्सरशिप मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो अलग बात है, क्योंकि सारे स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ रिस्क रह जाता है, कभी कभी कुछ पैसे का मामला रह जाता है कि बहुत ही कम पैसा मिलता है, चैनल के हिसाब से भी कम पैसा मिलता है। चैनल छोटा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैनल है, बट चैनल के हिसाब से भी बहुत कम पैसा मिलता है। तो इसीलिए कभी कभी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करना ना करना भी एक एक सोचने का बात रह जाता है। अब देखो दोस्तों, कुछ दो तीन टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट है कि आप लोगों को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है, कुछ मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर ग्रुप पे ज्वाइन करना है, जहाँ पे डेवलपर्स लोग बात करते हैं, जहाँ पे ऐप प्रमोशन का बात होता है, जहाँ पे लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐप को डेवलप करते हैं और उसको प्रमोट करवाना चाहता है, उसको कहीं पे दिखाना चाहता है, बट दे आर डेवलपर्स सो दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू शो देयर वर्क। तो इसीलिए वो लोग ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उन लोगों का एप्लीकेशन जो है उसको प्रमोट कर देगा। तो आप उन लोगों को फॉलो करते रहो, जब देख रहे हो कि वहाँ पे कोई ऐप रिलेटेड बात चल रहा है, आप वहाँ पे जाके उन लोगों को देखो कि कौन ये बात कर रहा है, फिर उसको प्राइवेट पे मैसेज करो कि यस आई एम दैट पर्सन, जो आपका जो ऐप है या जो प्रोडक्ट है उसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, मेरा इतना 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 सब्सक्राइबर्स है, इतना व्यूज़ आता है, और उसी के हिसाब से आप चार्ज करो। ओवर चार्ज नहीं करना, नहीं तो वो लोग आपके साथ बात ही नहीं करेगा। आपको एक मिनिमल से भी कम प्राइस अभी चार्ज करना है, बिकॉज आपको कस्टमर पकड़ना है। बेसिकली आपको उन लोगों को अपने साथ जुड़ना है। तो आपका अगर रेट 500 है तो आपको 300 बोलना पड़ेगा। एज ए एग्जाम्पल, आप 300 रुपये बोलो, वो लोग राज़ी हो जाएगा, आप उसका प्रोडक्ट ले लो। अब धीरे धीरे जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहोगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो इन फ्यूचर भी वो बंदा आपके साथ ही कॉन्टैक्ट करेगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका कि मान लो आपके पास 5000 सब्सक्राइबर्स है, आप दूसरे 5000 सब्सक्राइबर, 7000 सब्सक्राइबर, 3000 सब्सक्राइबर, इसी 3000 से 7000 सब्सक्राइबर के अंदर जितने भी सब चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब करो, देखो कि उन लोगों के पास किस टाइप का स्पॉन्सरशिप आ रहा है। अब वो जो स्पॉन्सरशिप आ रहा है उसके पीआर टीम का मेल लो,
उसको मेल करो कि मेरा पास ये है, फॉर्मल मेल ऑब्वियसली करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा चैनल ये है, मेरे चैनल पे इतना सब्सक्राइबर्स है, इतना व्यूज़ आता है, मैं इससे पहले अगर कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह किए हो या कुछ स्पॉन्सरशिप आपको मिला है तो उसका दो तीन मेल का लिंक, सॉरी दो तीन वीडियो का लिंक आप वहाँ पर डाल दो। उसके बाद उन लोगों को बोलो कि ये सारी चीज़ आप चेक करो, वो लोग चेक करेगा, अगर वो लोगों को लगा कि यस इसको हम लोग दे सकते हैं स्पॉन्सरशिप तो वो लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये करके, ये दोनों स्टेप फॉलो करके आप लोग कर सकते हो, आपके पास स्पॉन्सरशिप गारंटेड आएगा अगर आपका जो रीच है वो थोड़ा बहुत अच्छा है तो। अब थर्ड जी स्टेप के बारे में बात करूंगा वो है कि आपका खुद का कैपेबिलिटी, बेसिकली आप कैसे कंटेंट बनाते हो, आप किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, किस जॉनर के ऊपर बना रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत टाइम से एप्लीकेशन के रिव्यू करते आ रहा हूँ तो मेरे पास खुद से एप्लीकेशन को प्रमोट करने का मेल आ रहा है, जो मैं मेल अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, चलो देख लो आप लोग। तो ये जो इतना भी मेल वगैरह है ये मैं अप्रोच नहीं किया, मेरे पास खुद से आया ये सारे मेल। तो आपका कंटेंट अगर अच्छा होता है तो आपके पास खुद से स्पॉन्सरशिप आता है। देखो मेरे पास भी 3000 समथिंग सब्सक्राइबर्स है तो मेरा भी चैनल कोई बड़ा चैनल नहीं, बट मेरे को जाना नहीं पड़ रहा है उन लोगों के पास, वो लोग खुद से मेरे पास आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे कंटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग आपके पास आए। तो ये तीन वे है आपका जो स्पॉन्सरशिप है मिलने का। आप लोग कोशिश करो, पहले जो ट्रिक मैंने बताया दो ट्रिक्स उसको, नहीं तो थर्ड ट्रिक जो है वो अपना मेहनत दिखाओ, अपना कंटेंट पे फोकस करो, अपना जितने अच्छे से वीडियो बना सकते हो बनाओ, फिर वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जितने भी चीज़ मैंने बताया आप लोग समझ में आ गया, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, तो इतना दूर तक अगर देख लिए हो तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना कि आप लोग क्या सोचते हो मेरे इस जितने भी चीज़ मैंने बताया इसके बारे में। और चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।